और इंडियन नेवी की ताकत में और इजाफा होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलघा कलवारी क्लास की पांचवीं सबमरीन INS वागीर आज नेवी में शामिल हो जाएगी। ये सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनी है और मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। समंदर में चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें फंसकर ड्रैगन का हर मंसूबा फेल हो जाएगा। ये क्लावरी क्लास की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है, एक ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन को आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। INS वगीर आज इंडियन नेवी में शामिल होगी। इस मौके पर आयोजित समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि होंगे। INS वागीर स्पेशल सीरीज की सबमरीन है जिसका जवाब चीन के पास नहीं है। इस सतह पर और पानी के अंदर भी चीन के वॉरशिप को तबाह करने का दम रखती है। इसे खास तौर से कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। समुद्र में जो बारूदी सुरंग बिछाने का काम हो या फिर दुश्मन पर अटैक करने का काम हो, वो तमाम काम ये जो पनडुब्बी है बखूबी ढंग से कर सकती है। INS वागीर एक बार में पानी की सतह पर 12,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और पानी के अंदर एक बार में 1,000 किलोमीटर तय कर सकती है। पानी के अंदर लगातार 50 दिन तक रह सकती है। इस सबमरीन में 40 से ज्यादा नेवल ऑफिसर तैनात रह सकते हैं।